नमस्कार, फोर का फायर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको दिखाऊंगी महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स से किसे होगा फायदा और शिंदे कैंप में आज किस मिनिस्टर की हुई एंट्री। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ फोर के फायर में। आप ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में अब किस गुट का पलड़ा हो रहा है भारी और उद्धव खेमे की क्या है तैयारी। आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। खबरें G7 समिट की और जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और फोर का फायर में खबरें उपचुनाव रिजल्ट की भी होंगी और बताएंगे कि निरहुआ से क्यों हारे अखिलेश के भाई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 5:50 बड़ी खबरें। यूपी के रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बंपर जीत, बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी 42,000 वोटों से जीते। आजमगढ़ में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, धर्मेंद्र यादव की पुलिस से नोकझोंक। आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आगे, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं पीछे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक की जीत के बाद जश्न का माहौल, आप दफ्तर के बाहर ढोल पर लोगों ने किया डांस। राजेंद्र नगर विधानसभा पर आपका परचम, दुर्गेश पाठक ने बीजेपी उम्मीदवार को 11,555 वोटों से हराया। अगरतला सीट से कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन ने जीत हासिल की, 3,202 वोटों से जीत दर्ज की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बारडोली टाउन सीट से जीत हासिल की, बारडोली अगरतला सीट से कांग्रेस के सुदीप रॉय जीते। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, संगरूर सीट पर अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार की जीत लगभग तय, करीब 8,000 वोटों से चुनाव जीतने की खबर आ रही है, कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। संगरूर में सिमरनजीत मान के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ समर्थन में लगाए नारे। संगरूर में सिमरनजीत की जीत के जश्न में लगे खालिस्तानी पोस्टर, भिंद्रांवाले के साथ सिमरनजीत मान की फोटो दिखी। मुंबई में कई जगह पर शिवसैनिकों का भारी विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे की निकाली सांकेतिक शव यात्रा। मुंबई में उद्धव के समर्थन में लगे पोस्टर, मुंबई के वर्ली में कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। एकनाथ शिंदे के इलाके ठाणे में भी उद्धव के पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने रोड के किनारे ठाणे के समर्थन में दरअसल चस्पा किया था पोस्टर। दुलिया में उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसैनिकों ने निकाली रैली एकनाथ शिंदे के खिलाफ किनारेबाजी। महाराष्ट्र के पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ जमकर किनारेबाजी, सड़कों पर उतरे शिवसैनिक। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में सीएम उद्धव के लिए यज्ञ का आयोजन, बागी विधायकों की वापसी के लिए शिवसैनिकों ने किया यज्ञ। नांदेड़ में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, बागी विधायक बालाजी कल्याणकर के विरुद्ध उनके आवास के बाहर प्रदर्शन। शिवसैनिकों का दीपक केसरकर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन, केसरकर के कार्यालय पर शिवसैनिकों ने हमला करने की कोशिश भी की। मुंबई के पालघर में भी उद्धव के समर्थन में दिखे कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिवसैनिक, शिंदे के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन में मुंबई के विरार में समर्थकों ने निकाला बाइक रैली, शिंदे के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को एक और बड़ा झटका, मंत्री उदय सावंत बागी हुए, गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 बागी विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, विधायकों की सुरक्षा में तैनात होगी सीआरपीएफ। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी, शिंदे समर्थक विधायकों ने नोटिस को बताया गैर कानूनी। एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर अपील करेंगे। एकनाथ शिंदे ने खुद को बताया शिवसेना विधायक दल का नेता, ट्वीट करते हुए जारी किया पोस्टर। एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ थोड़ी देर में करेंगे बैठक, आगे के फैसले पर बना सकते हैं रणनीति। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शिवसेना के बागी विधायकों को पार्टी सभी पदों से निष्कासित करेगी, मंत्रियों को भी उनके पदों से हटाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर। संजय राउत का बागी विधायकों के लिए ट्वीट, राउत ने लिखा कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी। बागी मंत्रियों पर बोले संजय राउत, 24 घंटे में अपना पद गवा देंगे बागी मंत्री। अहमदाबाद कोर्ट में तीसरा सीतलवाड़ की पेशी, पूर्व आईपीएस अश्विन कुमार की भी पेशी, कोर्ट में सुनवाई शुरू। तीस्ता मामले में क्राइम ब्रांच ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तीस्ता जांच में सहयोग नहीं कर रही, संजीव भट्ट को लाने की प्रक्रिया जारी। तीसा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया, तीसा सीतलवाड़ ने कहा जज के सामने रखूंगी अपनी बात।
गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ पर दर्ज की एफआईआर, पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट का भी नाम शामिल, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। गुजरात दंगों को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, गुजरात दंगे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी सीतलवाड़ पर टिप्पणी। गुजरात क्राइम ब्रांच ने पूर्व आईपीएस और आरपी शिव कुमार को किया गिरफ्तार, गुजरात दंगों में झूठे आरोप लगाने पर हो रही है कार्रवाई, कल कोर्ट में किया जाएगा पेश। अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर हमला, कहा संबित पात्रा के आरोप फर्जी और निराधार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, कहा सोनिया ने तीस्ता को एडवाइजरी कमेटी में जगह दी। तीस्ता की गिरफ्तारी पर संबित का बयान, कहा सीतलवाड़ ने मनगढ़ंत कहानी बनाई, झूठे एफिडेविट बनवाती थी तीस्ता सीतलवाड़। सीतल पात्रा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, चश्मदीदों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया, साथ ही तीस्ता को भी घेरा है और साथ ही कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ पीड़ितों की भावनाओं से खेली है। दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में 17 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, एक नाइट क्लब से 17 लोगों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। इक्वाडोर में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ महिलाओं ने की रैली, राजधानी क्विटो में रैली के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका में ईंधन संकट गहराया, निजी वाहनों को मिलेगा सीमित पेट्रोल, कच्चे तेल की सप्लाई में देरी के कारण फैसला लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टाफ मेंबर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार, इमरान खान के बेडरूम में स्पाई कैमरा लगा रहा था जासूस। रूस के सर्बिया में जंगल की आग ने लिया भयावह रूप, 240 दमकल कर्मी कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। रूस ने हेलीकॉप्टर के K-52 का वीडियो शेयर किया, यूक्रेन में मिसाइलें बरसाता नजर आया ये हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने जारी किया हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का वीडियो, रूसी सेना पर दागा रॉकेट। यूक्रेन के डॉनबास शहर में तेज हुई लड़ाई, सैकड़ों लोगों ने छोड़ा शहर। यूक्रेन की राजधानी में कीव में मनाया गया कीव प्राइड का 10वीं सालगिरह, LGBTQ समुदाय के हजारों लोग मार्च में शामिल हुए। नॉर्वे में रद्द किया गया प्राइड मार्च, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा ओस्लो शूटिंग की वजह से लिया फैसला। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निरहुआ ने ट्वीट किया है। निरहुआ ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनता की ये जीत है, आजमगढ़ वासियों ने अपना कमाल कर दिया है। तो ये आपकी जीत है, अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार समर्थन और आशीर्वाद दिया है, ये उसकी जीत है, ये जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। ये ट्वीट अब आपको निरहुआ का दिखा रहे हैं। जीत के बाद सबसे बड़ा संदेश जो बीजेपी देने की कोशिश कर रही है वो यही कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है। इस खबर पर और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले शिवसेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, सीधे चलते हैं। कि इसमें कितना सच्चाई, कितना खरा है, कितना झूठा है, रोजाना अखबारों में, रोजाना मीडिया पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधी बातें करते रहते हैं, तो उसकी कानूनन जो ऑथेंटिसिटी है वो बताने के लिए मेरे साथ में आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। फाइनली इन इंग्लिश आई विल से दैट यू एवरी वन ऑफ यू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, पॉलिटिकल टर्बुलेंस इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र एंड इन दैट केस मेनी ऑफ द पीपल हु हैव डिफेक्टेड द पार्टी हैव गॉन एंड आर स्टेइंग इन आसाम, सो देयरफॉर वी हैव initiated legal action against them and accordingly the notices of disqualification have been served to some of the members, around 16 members we have already served the notice, and to know the authenticity of this legal action the honorable supreme court senior advocate mr devdutt kamat is with me and he will address your questions right now. First, don't ask questions. My request is that first listen to him and then if you have any queries, you are at liberty to ask him. Okay, but one at a time, don't shout together. Okay, sir. Thank you so much. I am going to talk on the legal aspects of this case. I am not going to comment on the political aspects which my clients Arvind Samantji and all will do
and will explain to you the political nuances. I am here only to explain to our friends what is the legal position, what are the proceedings which have been initiated. और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा उपचुनाव हुए और आजमगढ़ में निरहुआ ने जीत हासिल यहां पर की है। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए अपनी जीत का उन्होंने दावा किया है। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हराया है और एसपी के गढ़ में सेंध लगाई है। एसपी की बड़ी जीत यहां पर अभी तक होती हुई नजर आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर कमल खिला दिया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जिस तरीके से अभी तक का इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी के, इस गढ़ में कभी सेंध लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन निरहुआ की जीत बताते कि किस तरीके से योगी सरकार 2.0 में जो काम लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे, कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उसे मिल रहा है। और इस वक्त आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अब तक आजमगढ़ के बारे में जब भी बात होती थी तो पहचान आजम खान के परिवार के तौर पर होती थी, लेकिन बीजेपी का साफ संदेश ये जीत के बाद ये कहा भी गया कि ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं था और जनता ने आज ये साबित कर दिया कि ऐसा है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ लंबे समय से समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है और इस बात की तस्दीक लगभग दो दशकों से जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव परिणाम आते रहे हैं उसकी तस्दीक भी करते हैं। देखिए 2014 की बात करें तो 2014 में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में अखिलेश यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में 10 सीटें थी विधानसभा की, वो समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल में आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ को एक बीजेपी के एक अदने से कार्यकर्ता, एक नेता ने उस गढ़ को एक तरीके से ढाने का काम किया है। उनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, गायक हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो एक तरीके से जो उसका गुरूर था उसे नेस्तनाबूद किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। पिछले एक महीने से हम देख रहे थे कि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ की गली गली में जा रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक जो बड़ा संगठन है वो उनके पीछे खड़ा था। सह संगठन प्रभारी सुनील ओझा के अगुवाई में लगभग आधा दर्जन जो कैबिनेट मंत्री थे वो इस चुनाव प्रचार की जो कमान थी वो थामे हुए थे। इसके साथ साथ रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो या फिर पवन सिंह हो, इसके साथ साथ जो भोजपुरी जगत के जो तमाम जो एक्टर थे, जो तमाम स्टार थे, वो दिनेश लाल यादव के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। यकीनी तौर पर अगर बात करें तो देखिए दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव के मुकाबले बेहद एक कमजोर प्रत्याशी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जज्बा दिखाया, जिस तरीके से पूरे पार्टी ने उनके चुनाव प्रचार में उनका साथ दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसकी कमान एक तरीके से देखा जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभाल रखा था। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जरूर बैठे थे। कहा जा रहा है कि अभी यहां पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया है। हालांकि अभी निरहुआ अपनी जीत का दावा कर रहे ट्वीट करके, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर आजम खान ने कहा कि खुले मैदान में चुनाव करवाएं, अगर हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। अनुज मिश्रा हमारे साथ रामपुर से लाइव जुड़े हैं। अनुज, प्रतिष्ठा दांव पर अगर किसी की थी रामपुर सीट से तो वो आजम खान की थी और जीत हासिल करके बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरीके से साख जो थी वो आजम खान की दांव पे लगी हुई थी और इसी वजह से वो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। तमाम जगहों पे उन्होंने रैलियां की और लोगों से बाकायदा अपील की, वोट देने की अपील की और उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो उसके बाद आजम खान ने जो तमाम कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया। उनसे संबोधन के दौरान उनका ये कहना था कि अगर इलेक्शन कराना है तो
तो खुले मैदान में कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी साफ तौर पर उनका जो इशारा था वो प्रशासन की तरफ से था, क्योंकि शुरू में ही हमने देखा था जब वोटिंग हुआ था उस दौरान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके से प्रशासन पर आरोप लगाए गए थे। जाहिर तौर पर अब भी जो आजम खान है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं इसमें उनको किसी साजिश की बू आ रही है, और इसी वजह से कार्यकर्ताओं को बाकायदा उन्होंने भी थोड़ी देर पहले संबोधित किया और उनको ये कहा कि वो उनकी हार नहीं बल्कि उनकी जीत हुई है, जो भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है वो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने देखा इस चुनाव को लेकर, खासतौर पर ये कहा जा रहा था कि ये आज रामपुर का जो चुनाव है वो किसी कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट नहीं है, बल्कि आजम खान वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट का ये चुनाव जो है वो कहा जा रहा था। जहां एक तरफ आजम खान खुद कमान संभाले हुए थे, लगातार प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बिल्कुल अनुज, ये प्रतिष्ठा का सवाल था आजम खान का। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और अनुज आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि किस तरीके से देखिए दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते हैं दुर्गेश पाठक की बड़ी जानकारी मिल रही है। जीत के बाद दुर्गेश ने केजरीवाल से मुलाकात की है। 11,555 वोटों से जीते हैं दुर्गेश पाठक और उन्होंने बीजेपी के राजेश भाटिया को राजेंद्र नगर से हराया है। और ये देखिए जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, बीजेपी के राजेश भाटिया को हराया है और अरविंद केजरीवाल से दुर्गेश पाठक मिले राजेंद्र नगर। यहां उपचुनाव हुआ था और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो जश्न मनाया गया उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी जीत का जश्न मना रही है और उपचुनाव में भी यहां आम आदमी पार्टी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। राघव चड्ढा यहां से राज्यसभा गए और उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था इस सीट से, और अब आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार है ये इस जीत के बाद समझ आता है। आपसे थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की जीत पर हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने एक रिपोर्ट भेजी थी, दिखाते हैं कितने उत्साहित हैं इस जीत के बाद आपके कार्यकर्ता। तरीके से जश्न मन रहा है यहाँ पर, ये आप तस्वीरें देख लीजिए कि जश्न यहाँ पर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नाचते हुए ढोल पर नजर आ जाएंगे और ये पूरे जो काउंटिंग सेंटर है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर चुका है। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ नजर आ रहे थे, बीजेपी कांग्रेस सबके लोग यहाँ पर थे, कार्यकर्ता यहाँ पर थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब जश्न में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का डांस करते हुए आपको राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग नजर आ जाएंगे, इसी के साथ ढोल नगारों पर थिरकते हुए भी। पंजाब में लेकिन हालात ठीक नहीं है, देखिए वहाँ की राजनीति वहाँ है, वो जो इफेक्ट आ गया जी मुझसे वाला का, जो परसेप्शन गलत की, जो परसेप्शन गलत फैल गई उसके जो वोटर ने गलत वोट डाला, मगर फिर भी अभी फाइट चल रही है। राजेंद्र नगर बढ़िया आपका विचार है? ये देखिए राजेंद्र नगर की जनता ने बता दिया है कि धर्म की राजनीति के ऊपर चोट है, तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर चोट है और काम के ऊपर वोट दिया गया है। देखिए यहाँ लड्डू मिठाइयाँ बटनी शुरू हो गई है, आप ये तस्वीर देख लीजिए, मिठाई यहाँ बट रही है, ये तस्वीर देख लीजिए मिठाई खाते पीते। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ आप देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर सामने है वहां पर। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक की जीत को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बड़ी जीत बताया है। तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तीन तिक्रम की राजनीति को हराया है और अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर भरोसा करके दुर्गेश पाठक जी को भारी मतों से जिताया है। जिस तरह से भाजपा ने 40 प्रचारकों की जो फौज उतारी थी तीन तिक्रम करने के लिए, राजेंद्र नगर के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने फिर एक बार कहा है कि हमें केजरीवाल के काम की राजनीति पसंद है और हम सब लोग मिल करके राजेंद्र नगर के अंदर जो काम चल रहे हैं उसको तेज करने की कोशिश करेंगे, वहां के कामों को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र का रुख करते हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देवेंद्र फडणवीस से मिलने चंद्रकांत पाटिल पहुंचे हैं उनके घर, बीजेपी कोर ग्रुप की दरअसल लगातार मुलाकात बैठक महाराष्ट्र में
स्थिति पर नजर बनाए हुए चल रही है, क्योंकि शिवसेना ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत अब नहीं होगी बागी विधायकों से। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अच्छी बात है, कचरा साफ हो गया पार्टी से। और दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी कि शिंदे गुट में भी फूट पड़ रही है, कई विधायक शिंदे गुट में जाना नहीं चाहते हैं बीजेपी के साथ। इस सबके बीच हाई लेवल मीटिंग महाराष्ट्र में लगातार जारी। तो महाराष्ट्र की सियासत में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। गुवाहाटी के होटल में मौजूद बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनके साथ शिवसेना के 38 बागी विधायक हैं और 9 निर्दलीय भी उनके साथ हैं। लेकिन अब खबर है कि इनमें से 20 बागी विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ आज मुंबई में आदित्य ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 20 मई को उद्धव ठाकरे ने शिंदे से पूछा था कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। मला आठवत की बरोबर 20 मे ला मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे यांनी शिंदे साहेबांना वर्षावर बोलवून घेतलेलं आणि त्यांना थेट विचारलेलं की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे का, ही घ्या चालू आणि तुम्ही आजपासून बना। तेव्हा नाटक केलं, रडगाणं, सगळं तर सगळं झालं की असं होतंय तसं होतंय, इथून त्रास आहे तिथून त्रास आहे, ही फाईल उघडली आहे इथून असं झालेलं आहे। पण हे सगळं झालं असलं तरी 20 जूनला जे व्हायचं होतं ते झालंच। आता आपल्यात किती राहिले मी खूप वेळा मागे बघून बघतो, पद असलेले आमदार कधी कधी कमी दिसत आहेत, जास्ती चॅनलवर दिसत आहेत, पण तिथे पण मला माहिती आहे तिथे जे गेलेले आहेत। पोतनीस साहेब तुम्हाला पण माहिती आहे मला पण माहिती आहे, 15 ते 16 लोक हे आपल्या टचमध्ये आहेत आणि आपल्या सोबत आहेत, त्यांना फरफटून दिलेलं आहे असं मला सांगण्यात आलं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनके 15 से 16 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। पण जे बंडखोर आहेत, जे फुटीरवादी आहेत, त्यांना माफी नाही, त्यांना क्षमा करणार नाही महाराष्ट्र, हे आपण शपथ घेऊन पुढे निघालेलो आहे। महाराष्ट्र संकट में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों के परिवारों से फोन पर बात की। रश्मि बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। तो एक और मंत्री शिंदे गुट में शामिल, वहीं गुवाहाटी रवाना हुए मंत्री उदय सामंत। तो मतलब गुवाहाटी लगातार मुंबई से मंत्रियों का निकलना, नेताओं का जाना जारी है। शाम 6 बजे तक गुवाहाटी पहुंचेंगे सामंत। अब तक 8 मंत्री शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिंदे गुट के जो मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कुनबा है वो लगातार फिलहाल शिंदे गुट का बढ़ रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि एक और मंत्री हैं जो शामिल हो चुके हैं शिंदे गुट में। गुवाहाटी रवाना हुए हैं मंत्री उदय सामंत। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आप टाइम्स टाउन भारत पर देख रहे हैं। शाम 6 बजे तक सामंत गुवाहाटी पहुंच जाएंगे और जो शिवसेना के मंत्री उद्धव सरकार के मंत्री हैं ये गुवाहाटी के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि एक तरफ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मान मनोबल का दौर जारी है और ये विश्वास जताया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि सभी के संपर्क में, उसके बावजूद सभी गुवाहाटी का रुख कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो। 8वें मंत्री हैं जो कि शिंदे गुट में अब शामिल हो गए। अमित कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक उद्धव ठाकरे की जो क्लोज डोर मीटिंग्स या इस क्राइसिस को निपटाने की मीटिंग्स चल रही थी उसमें शामिल थे उदय सामंत और अचानक से अब गुवाहाटी रवाना। अमित क्या, ठीक है लगता है संपर्क अमित से नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री हैं उद्धव सरकार में उदय सावंत। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा जी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब उनके पास उद्धव सरकार जो अगर जो अभी है उसमें सिर्फ एक मंत्री उनके साथ है, वो है आदित्य ठाकरे। बाकी जो 8.5 मंत्री थे वो अब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ये अपने आप एक बड़ी खबर है कि उनके सारे मंत्री छोड़ गए हैं, सिर्फ पिता और पुत्र वहाँ पर अगर मंत्री के तौर पर देखें तो दोनों बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से धमकियाँ दी जा रही है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि शिव सैनिक जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक धमकी दी गई कि भाई जो मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने का के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है, 16 विधायकों के खिलाफ नोटिस जा चुका है। और इन तमाम दबाव के बावजूद अगर कोई मंत्री आ रहा है तो ये बताता है कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे परिवार पर अब कितना विश्वास, कितना भरोसा इन शिव सैनिकों का बचा हुआ है, तो यही, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दबाव बनता, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है रश्मि ठाकरे, वो विधायकों की पत्नियों को फोन कर रहे हैं, तो शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, पूरी कोशिश हो रही है डराने का, धमकाने का, पुचकारने का, ताकि किसी भी तरह से कुछ विधायक इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और एक और चीज़ बड़ी खबर मैं बता दूं कि दो और विधायक इसके जुड़ने के साथ ही 40 हो जाएंगे, इसके बाद फिर दो और विधायक कहे जा रहे हैं जिनके साथ संपर्क में है। और न्यूज़ टाइम्स ऑफ नवभारत ने पहले दिन ये बताया था कि एकनाथ शिंदे का जो टारगेट है वो 42 विधायक का है। उस समय ये कहा गया था कि करीब 13 ऐसे विधायक हैं जो कि हार्डकोर पूरी तरह समर्पित उद्धव ठाकरे के साथ है, वो भी बाला साहब ठाकरे के प्रति समर्पित लोगों में से है। लेकिन करीब 42 विधायकों को जोड़ने का की बात पहले दिन से की जा रही थी एकनाथ शिंदे गुट से, और उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अभी जो आ रहे हैं उदय, उनके बाद उदय सावंत के बाद कहा जा रहा है कि दो और विधायक आ जाएंगे तो वो आंकड़ा 42 के पास पहुंच जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तमाम चीज़ें कहने के बाद, डराने धमकाने के बावजूद, जो तमाम विधायकों का आना मुंबई से भाया सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जारी, और आज भी एक विधायक पहुंच रहे हैं। जी अमित, लेकिन अमित सवाल ये भी है कि देखिए, एक तरफ अब जो हम शिवसेना का रुख देख रहे हैं, खास तौर पर उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर लें, वो कहीं ना कहीं आक्रामक रुख में है, और उनका कहना कि असली शिवसेना तो हम है, लेकिन जब उनके सारे मंत्री छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं तो क्या असली शिवसेना रह पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है, और क्योंकि अगर विधायक दल की बात कर रहे हैं, विधायक दल से आपने हटा दिया, और डिप्टी स्पीकर ने उस बात को स्वीकार कर ली कि अजय चौधरी होंगे, क्योंकि उसका नाम बढ़ाया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, और तो उनको बना दिया गया। लेकिन जो विधायक दल का जो होती है बैठक, अगर आप देखें तो विधायक दल का नेता वो होता है जिसको विधायकों का समर्थक हो, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो अदालत में लोग गए हैं, जो कहा जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ऐसे में इसी बात को लेकर जा रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला करके एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के पद से हटाया है वो गलत है। और अगर आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरे 55 में से करीब 40-42 विधायक एक तरफ आ जाते हैं, तो ये शिवसेना की जो बात, देखिए पार्टी पे कमांड अभी उनकी है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन विधानसभा के भीतर जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से इनके साथ है, सरकार संकट में है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब सोमवार और मंगलवार ये दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत में, ये दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत, क्योंकि यही दो दिन तय होगा कि भविष्य में किस तरफ बढ़ेंगे, क्या वहां पर। तो गुवाहाटी में शिंदे कैंप बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे लगातार मंथन कर रहे हैं। आज शरद पवार ने कांग्रेस के कुछ दिग्गजों से मुलाकात की, आगे की रणनीति बनाई, वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर क्या जानकारी है? शिवानी हमें और अपडेट देंगी। शिवानी, क्या हलचल है बीजेपी खेमे में? बात बीजेपी खेमे की फिलहाल यहां पर की जाए तो लगातार हलचल वहां पर भी चल रही है, मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, रवि राणा पहुंच रहे हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए पहुंच रहे हैं, लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मीटिंग का सिलसिला जो है उसे जारी किए हुए हैं। देर रात मीटिंग चल रही है। देवेंद्र फडणवीस का जो बंगला है सागर बंगलो मलाबार हिल में, वो एक ऐसा स्पॉट है। इस वक्त आपको कुछ देर के लिए रोकते हैं, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से जीत दर्ज की है। निरहुआ हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश लाल जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आजमगढ़ से आपने जीत हासिल की है, धर्मेंद्र यादव को आपने आपने हराया है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? ये आजमगढ़ की जनता और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उसी पे भरोसा जताया आजमगढ़ की जनता ने, और इसीलिए ये जीत हासिल हुई है। दिनेश लाल जी, ये कहा जा रहा था कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त से, और यहां पर आपने धर्मेंद्र यादव को हराया। ठीक है, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन आजमगढ़ में बीजेपी की बल्ले बल्ले इसलिए कही जा सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ था, और यहां पर काफी लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का दबदबा था, लेकिन इस वक्त यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो देखिए, ये बड़ी जीत है क्योंकि इसको, यानी कि आजमगढ़ को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, और ऐसे में दिनेश लाल निरहुआ की जीत एक मैसेज भी देती है कि किस तरीके से जो कामकाज अभी तक योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं
वो बता रहे हैं कि उन पर जनता मोहर लगा रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बधाई देने का काम यहाँ पर चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में एड्रेस करेंगे योगी आदित्यनाथ, इसीलिए यहाँ पर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। जीत का महत्व क्या है उस बारे में वो बात करेंगे। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को ही पूरा श्रेय दे रहे हैं। और पहले ही बताया गया था कि शाम के 4 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने उपचुनाव में जिस तरह से जीत हासिल करी है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता का आभार भी यहां पर व्यक्त करेंगे। और सीधे अब आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर संबोधित करने का कष्ट करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अपने आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा महत्वपूर्ण लोकसभा की जीत आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की, जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, मैं आदरणीय योगी जी का बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है इसी तरह मोदी योगी पर बना रहे। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय योगी जी को आमंत्रित करता हूं आगे के प्रेस संबोधित। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। विधानसभा चुनाव में 2/3 वोट से 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया, ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों जातिवादियों सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच सर्वसमावेशी विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके
इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया। बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को, जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा, उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहाँ पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपुर में श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में और आजमगढ़ में श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रियों ने, माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि दो सीटों की जीत आने वाले 2024 की स्थिति स्पष्ट करती नजर आती है। आगे बढ़ते महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच महाराष्ट्र से जुड़ी दो बड़ी खबर आई। देखिए, शिव सैनिकों की धमकी के बीच 17 विधायकों के परिवार वालों को सुरक्षा दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में बागी विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र ने उन्हें वाई प्लस सुरक्षा दी है। अब 15 विधायकों की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि बागी विधायकों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार ने पहले से सुरक्षा दी हुई है। इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को धमकी दी है। संजय राउत का कहना है कि लाखों शिव सैनिक उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। संजय राउत यहीं नहीं रुके, राउत ने धमकी भरे लहजे में कहा कि बागी विधायक बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल ना करें। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा था कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में। तो वहीं देखिए, शिवसेना के बागियों पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर है कि उद्धव के 7 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखने की तैयारी चल रही है, यानी कि उनसे अब अपील की जाएगी कि इन मंत्रियों को बर्खास्त कीजिए, एक्शन लेना चाहती है शिवसेना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 7 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को जल्द चिट्ठी लिख सकते हैं। इससे पहले शनिवार को मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर उद्धव ठाकरे को बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया था। साथ ही ये प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र था कि कोई दूसरा राजनीतिक संगठन शिवसेना और इसके संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नाम
लेने की नौबत उनको उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो, सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर महाअघाड़ी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और शिवसेना नेता अनिल देसाई शामिल हुए, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। और फोर का फायर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटे। और चलिए अब आपको एक नई तस्वीर दिखाते हैं, जहां शिंदे गुट के विधायक की एक नई तस्वीर आई है। वो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे टाइम्स नाउ भारत पर, एक वीडियो भी जारी किया है शिंदे गुट ने, होटल में केक काटते दिख रहे हैं सभी बागी विधायक जो शिंदे गुट के हैं। दरअसल एक तो शक्ति प्रदर्शन का संदेश है बार बार, और जो आरोप शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि किडनैप करके जबरन ले जाया गया, विधायक जाना नहीं चाहते थे, उसको भी कहीं ना कहीं झूठा साबित करने के लिए ये वीडियोस और फोटोज जारी किए जा रहे हैं। इसमें विधायक जो है केक काटते, एकनाथ शिंदे के पैर छूते, उनके इर्द गिर्द बिल्कुल भी टेंशन का माहौल कम से कम नजर नहीं आया। हालांकि कई शिंदे कैंप के विधायकों के बयान भी आए थे कि नहीं, हमें जोर जबरदस्ती कर यहाँ नहीं लाया गया, हम खुद से यहाँ पहुंचे हैं। जन्मदिन किसी का मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे बकायदा जन्मदिन मनाया जा रहा है और केक यहाँ काटा जा रहा है। एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं केक खिलाते हुए। तो देखिए टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। एक तरफ जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो वीडियो लिया गया उसमें सभी विधायक नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे गुट में सब कुछ ठीक है, सभी बागी विधायक उनके साथ हैं, उनको अपना समर्थन दे चुके हैं। क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि शिंदे गुट में कुछ ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते और विरोध जता रहे, नाराजगी जता रहे, जिसका जिक्र भी स्वाति जोशी कुछ देर पहले कर रही थी। ये लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो शिंदे कैंप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों के माध्यम से। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लॉट्रम आप बने रहिए हमारे साथ।